अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय किचन मैं हूं होशैफ़ हाफ्सा आज हम एकदम परफेक्ट मिनी पैनकेक्स के साथ एक बहुत ही डिलिशियस ब्रेकफास्ट बनाएंगे खाने में ही बहुत ही भी बहुत ही मज़ेदार होता है उसको बनाना भी बहुत ही आसान है तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे थ्री फोर्थ कप दूध दूध जो है वो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे उबला हुआ है इसमें ऐड करेंगे वन टी स्पून वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह करने से बटर मिल्क तैयार हो जाएगा और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जिससे पैनकेक्स जो है वो सुपर सॉफ्ट बनेंगे अब हम एक बोल में ऐड करेंगे एक अंडा साथ ही इसमें ऐड करेंगे वन फोर्थ कप चीनी चुटकी भर नमक नमक जो है उससे फ्लेवर जो है वो बैलेंस होंगे वन टी स्पून वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए और अब हम सबको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे तकरीबन दो मिनट के लिए यहाँ पे हमें चीनी को डिज़ोल्व होने देना है तो तकरीबन दो मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें ऐड करेंगे वन फोर्थ कप ऑयल यहाँ पे कोई ऐसा ऑयल ऐड करना है जिसकी कोई अपनी स्ट्रांग स्मेल या फ्लेवर ना हो और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब जो हमने बटर मिल्क बना के रखा था ना दूध और विनेगर के साथ वो हम इसमें ऐड कर लेंगे तमाम और इसको जरा से मिक्स कर लेंगे तो ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कप मैदा साथ ही इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और वन फोर टी स्पून बेकिंग सोडा अब इस सबको अच्छे से मिक्स करना है और एक बहुत ही स्मूथ सा बैटर बना के तैयार करना है ये वाला स्टेप करने से इसमें जो है वो खत्म होंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और यहाँ पे पेनकेक का जो बैटर है वो ऑलमोस्ट तैयार है अब ना हमें इसको कवर करके थर्टी मिनट्स का रेस्ट देना है इससे बैटर थोड़ा फर्मेंट हो जाएगा जो पैनकेक्स से बहुत ही फ्लफ़ी बनेंगे थर्टी मिनट्स के बाद अब पैनकेक बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एक फ्लैट नॉन स्टिक पेन चाहिए इसको तवे पे भी बना सकते हैं पैन पे थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे अच्छे से इसको इस तरह स्प्रेड कर लेना है और फिर सिंपल एक टिश्यू से जो ऑयल है उसको साफ़ कर देना है इस तरह करने से ना ये रेडी हो जाएगा पैनकेक बनाने के लिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरह बैटर ऐड करेंगे एक मिनट के बाद इस तरह बैटर पे थोड़े से एयर बबल्स बन जाएंगे तो हम इसको बहुत ही आसानी के साथ फ्लिप कर लेंगे और आप देख ही सकते हैं कि कितने सुपर सॉफ्ट पैनकेक्स बन के रेडी हुए हैं दूसरी तरफ से भी इसको हम एक मिनट के लिए पकाएंगे और यहाँ पे बहुत ही डिलेशियस से मिनी पैनकेक्स बिल्कुल तैयार हैं इसी तरीके से ना हम तमाम बना के तैयार कर लेंगे अब पैनकेक्स को हम इस तरह से सर्विंग डिश में स्प्रेड कर लेंगे सेट करके रखेंगे और इस तरह सेट करने के बाद अब हम इसकी चॉकलेट तैयार करेंगे अब हमें चाहिए चॉकलेट तो यहाँ भी मेरे पास हंड्रेड ग्राम चॉकलेट है कंपाउंड डार्क चॉकलेट चॉकलेट को हम इस तरह से चॉप कर लेंगे और इस तरह इसको चॉप करके हम एक बोल में निकाल लेंगे साथ ही हम एक पैन में ऐड कर लेंगे हाफ कप क्रीम और क्रीम को हल्का सा गर्म कर लेंगे जब क्रीम थोड़ी गर्म हो जाएगी तो हम गर्म क्रीम को कर ऐड करेंगे चॉकलेट पे और इसको मिक्स करेंगे तो बहुत ही डिलीशियस ही चॉकलेट क्रीम जो है वो रेडी हो जाएगी और ये एकदम परफेक्ट लगती है पैनकेक्स के साथ चॉकलेट को हम पैनकेक्स के ऊपर इस तरह अच्छे से स्प्रेड करते हुए ऐड कर लेंगे और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड कर लेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे और थोड़े से चॉकलेट चिप्स तो पूरे घर के लिए बहुत ही डिलेशियस ब्रेकफास्ट इस तरह से तैयार हो जाएगा तो जी तैयार है बहुत ही डिलीशियस से मिनी पैनकेक्स और बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकफास्ट रहता है ये सबके लिए अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में अल्लाह हाफ़िज